Hi there, this is Pranshu Verma and today we are going to study about refraction of light. ये class 10th का topic है और आज हमारे को इस पर थोड़ा सा study करना है. जैसे कि आप लोग 9th class में पढ़ चुके होंगे reflection of light. Light के बारे में उसमें सब कुछ आपने study किया होगा कि light क्या है, कैसे है और उसकी एक property आपने पढ़ी थी उस chapter में reflection की. ठीक है, refraction is another property of light. ठीक, एक दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट की. जैसे रिफ्लेक्शन होता था वैसे ही कुछ कुछ रिफ्रैक्शन भी है, बट थोड़ा डिफरेंट है. भाई डिफरेंट है तभी एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, नहीं तो नहीं होता. ओके, तो अपन लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है. इससे पहले मैं थोड़ा सा लाइट के लिए डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, लिखूंगा नहीं बस बता दूंगा आपको कि लाइट क्या होती है. एक रे होती है, रे बोले तो स्ट्रेट लाइन में चलने वाली. दूसरा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी देती है. ओके, और तीसरा, आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है इन वैक्यूम और इन एयर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए आप सबको. ठीक है, उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं, चैप्टर पे बात करते हैं. और चैप्टर का नाम है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, पहले आपको यदि याद होगा रिफ्लेक्शन तो उसके बारे में जरा ध्यान करो. और आपने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन में? रिफ्लेक्शन में आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे. ठीक है, व्हाट वर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? देयर वर थ्री लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल. ओके, द सेकेंड वन इज द मीडियम शुडंट बी चेंज. मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी सेम. And the third one is incident angle and reflected angle are in the different sides of to the normal. Okay, these were the three laws of reflection. But today हमारा topic है refraction. तो देखते हैं refraction और reflection में क्या फर्क है. सबसे पहले मैंने बोला है कि incident angle और reflected angle दोनों same. तो इस पर थोड़ा बाद में बात करते हैं, लेकिन दूसरे पे मुद्दे पे बात करते हैं जहां पे मैंने क्या बोला है, the medium shouldn't be change नहीं होना चाहिए medium. तभी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. ओके, रिफ्लेक्शन कब होगा? जब हमारा मीडियम चेंज ना हो. यदि मीडियम मैंने चेंज कर दिया तो, मतलब ध्यान से समझो, ये एयर है. ठीक है, ये हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में हमारी लाइट आ रही है. ओके, ये सूरज दादा हमारे स्पेस में बैठे हैं. ठीक, यहां से एक लाइट आई. एक लाइट तो आती है, करोड़ों लाइट रे आती है, अरबों आती है, इन्फिनाइट आते हैं. वी डोंट नो हाउ मच दे आर कमिंग, बट ओके, एक को मानते हैं, एक को कंसीडर करते हैं. ऐसे लाइट आई, एक एयर से आ रही है. ओके, बीच में वैक्यूम भी था. अब यहाँ पे पानी की एक लेयर है, वाटर लेयर है. मतलब ये लाइट जो है वो एयर से जाके पॉन्ड है, कोई तालाब है, उसके ऊपर जाके लगती है. व्हाट विल बी हैपन? क्या होगा? मीडियम चेंज हो गया, एयर से कहां चली गई? भाई वाटर में. कहां चली गई? वाटर में. क्या होगा? व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन? क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ तो तगड़ा सा काम होगा. ऐसा नहीं है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट नहीं होगा. हाँ, विल बी रिफ्लेक्टेड, लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड, बट अ पार्ट, एक छोटा सा पार्ट रिफ्लेक्ट होगा. बट हमारे को रिफ्लेक्शन पे ध्यान नहीं देना है आज, हमें किस पे ध्यान देना है? रिफ्रैक्शन पे. तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ध्यान से देख लो भाई. जब भी हमारी लाइट रे एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है. वो डिपेंड करता है कैसे चेंज करेगी, वो मीडियम्स पे डिपेंड करता है, कहां से आ रही है, कहां पर जा रही है. सब सीखोगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है. लेकिन क्या होगा, लाइट रे विल गोइंग टू बी चेंज इट्स पाथ. उसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे. मतलब यहां पे यदि वाटर ना होता तो कैसे जाती? स्ट्रेट जाती जैसे जा रही थी. बट देयर इज अनदर मीडियम है ना, डिफर देन एयर, दैट्स व्हाई द पाथ ऑफ द लाइट रे हैज बीन चेंज्ड एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट. ओके, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? कि भाई लाइट रे एयर से इंसिडेंट हुई और कहां गई? वाटर में, दूसरे मीडियम में गई, और वहां तक जाके उसने क्या कर दिया? पाथ चेंज कर दिया. पाथ चेंज हो गया तो प्रोसेस कौन सा हो गया? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में मेन पॉइंट क्या है? मीडियम शुड बी चेंज, जो रिफ्लेक्शन में नहीं था. रिफ्लेक्शन में क्या था? मीडियम शुड बी सेम. यहां पे क्या है? मीडियम शुड बी चेंज्ड. ओके, दूसरा,
पाथ यहां पे भी चेंज हो रहा है, वहां पे भी चेंज हो रहा था पाथ, यहां पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें अलग हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से कैसे अलग है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके एंगल्स के बारे में। एंगल इसमें भी बन रहे हैं, आप देख पा रहे हो एंगल इसमें भी बन रहे हैं, तो इसमें भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिगर ले लेते हैं, कोई भी चीज ले लो। ओके, मैं इस बार वाटर ना लेके ऐसे ही लिख देते हैं, मीडियम टू मीडियम वन, एम वन एम टू, दिस लाइन इज अ बैरियर फॉर मीडियम वन एंड मीडियम टू, इधर मीडियम वन है इधर मीडियम टू है, ऐसा बैरियर बन गया। ओके, तो भाई देखो जाओ, मैंने माना दिया नॉर्मल, नॉर्मल आप जानते हो क्या होता है, क्लास टेंथ में हो आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री जो बनाता हो। ठीक है, जो हमारी सरफेस है, ये जो हमारी मीडियम टू की एक बाउंड्री है, बाउंड्री लेयर है, उससे 90 डिग्री बनाता हुआ है, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अब आपने नाम मान लिया भाई कि जब इंसिडेंट रे आ रही है कोई, तो इंसिडेंट रे पहली बात तो याद रखो स्ट्रेट आएगी, रे है, रे है, रे का मतलब जो सीधी चलती हो, दैट इज कॉल्ड रे। तो ये हमेशा कैसी आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए। तो इस बारे में कुछ नहीं सोचना कि सर ये सीधी क्यों आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी घूम घाम के क्यों नहीं आ रही, तो ये किसी के घर से आने वाली नहीं है। ठीक है, कि पहले मोहन के घर से आ गई फिर शोहन के घर से आ गई, ऐसा नहीं है, सीधी आके यही लगेगी। ठीक है, अब आ रही है तो इट माइट बी पॉसिबल पॉसिबल दैट देयर शुड बी एन एंगल विद नॉर्मल, क्या पता नॉर्मल से एंगल ना भी हो या नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल करो। ठीक, लेकिन अपन लोग एक जनरल केस लेते हैं कि कोई भी एक एंगल आई एंगल बनाते हुए, कौन सा एंगल बनाते हुए है, आई, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, आपको पता है। ठीक है, नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। ओके, चलिए अब मैंने माना कि भाई मैंने क्या बोला है, रिफ्रैक्शन करवाना है, क्या करवाना है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करवाने के लिए पहली बात तो ये कि मीडियम वन और मीडियम टू के बीच में जो ये बाउंड्री है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो अलग प्रोसेस होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो चीज अलग है, तुम्हारा सिलेबस में नहीं है वो चीज। ठीक, तो हम बात करेंगे मीडियम टू क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ठीक, और जैसे ही ये इसके अंदर जाएगी तो देयर शुड बी अ पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस आना चाहिए, आना चाहिए पक्का, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आता है पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस क्यों आता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, यदि इस क्लास में टाइम मिल पाया तो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि ये क्यों होता है। ज्यादातर मैं आपको वैसे क्लियर कर दूं कि स्पीड में चेंज आता है, जो हमारी लाइट रे है उसकी स्पीड में चेंज आता है मीडियम चेंज होने से, इसलिए आ जाता है, उसको अच्छे से क्लियर करूंगा मैं बाद में आगे। ठीक है, तो जैसे चेंज आया तो हमने इसको रे को क्या बोल दिया, मीडियम टू में रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और जो ये एंगल है किससे, नॉर्मल से, एंगल हमेशा किससे लेना है, नॉर्मल से लेना है, ये क्लियर रखना है, कहीं और से एक्सिस से मत ले लेना, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, आर, क्या बोल देंगे, आर, क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, आई, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, आर। कोई दिक्कत है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा नई चीज नहीं है, पिछले साल रिफ्लेक्टिव एंगल था ये, ठीक है, आर, इस बार रिफ्रैक्टिव है, आर का ही डिफरेंस है, एल की जगह आर लग गया है, ठीक है, ई की जगह ए आ गया, वो अलग चाहिए। ठीक, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिगर में, फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ है ये एक लॉ को फॉलो करता है, और उसके फॉलो के बाद उस लॉ के बारे में हम बात कर लेते हैं, और उस लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं इस लॉ को, क्योंकि ये टेंथ में भी है, ये आपके जब इलेवेंथ में यदि आप स्टेट बोर्ड में जाओगे तो वहां पे भी मिलेगा, नहीं तो एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस में ट्वेल्थ क्लास में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हल्का फुल्का नहीं है। ठीक है, लगेगा हल्का फुल्का। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइनोसॉइडल ऑफ आई या साइन कॉम्पोनेंट ऑफ आई एंगल, ठीक है, टू द साइन कॉम्पोनेंट ऑफ आर,
ये एक कांस्टेंट होता है, ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, किसी एक परमानेंट पेयर ऑफ के मीडियम के पेयर के लिए ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। और इस कांस्टेंट को आगे चलते एक नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे जो N2 है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, एंड N1 क्या है, सेम बात हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M1। मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, मीडियम वन है, मीडियम टू है, मीडियम टू कैसा होना चाहिए या मीडियम वन जो होना चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए टू ईच अदर, ठीक है। यहां से हमारी इंसिडेंट रे आएगी, एक एंगल पर आएगी, आई एंगल बोल दिया उसको इंसिडेंट एंगल बोल दिया। एंगल किससे बनेगा, नॉर्मल से बनेगा। नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल सरफेस के या बाउंड्री जो है एम वन एम टू के बीच में उससे 90 डिग्री पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, वो जब मीडियम टू में जाएगा तो वहां पे पाथ चेंज हो जाएगा, पाथ चेंज हो जाएगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल से जो एंगल चेंज हो जाएगा उसको हम बोल देंगे रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, और इसको बोल देंगे रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है, जो मीडियम टू में गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से हमें इस आई और आर के बीच में एक रिलेशन निकालना था। रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन था, रिफ्लेक्शन वाले में टाइम में एक बात थी कि आई और रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल थे, यहाँ पे अलग अलग है, और यहाँ पे एक रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव एंगल, इसके इक्वल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स, ठीक है, ये एक होता है। और इसके बारे में बता दूं मैं आपको थोड़ा सा कि ये जो n है यही केस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है c बाई वी, ठीक है, याद कर लो इसको, क्या होती है c बाई वी। c आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस और इन एयर, ओके, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पर, कहां पर, इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और इसके बाद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इसके बाद हम इसके आगे की चर्चा जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके, बेहतर है अच्छे से पढ़ लो, और नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम आई है, और नहीं है कोई डाउट तो भी कमेंट करो कि नहीं है सर कोई डाउट। थैंक यू।